आईएनएस न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आज हम आपको दिखाएंगे संस्कारधानी के वार्ड नंबर 79 का हाल, जो कि नया वार्ड बनाया गया है और यहां पर पिछले 7 सालों में क्या विकास यहां पर हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, यहां के जो वोटर हैं वो क्या विकास और कैसा विकास चाहते हैं, इस पर हम जाके ग्राउंड जीरो पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे वार्ड नंबर 79 का हाल। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए 79 वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीण और जो वार्ड के लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते होंगे खड़े हुए हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके वार्ड में जो पिछले 7 सालों में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है और क्या चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? रत्ना इंगले। ये कौन सा वार्ड है और कहाँ पर इस वक्त आप रहते हैं? हाँ, पिछले कोरोना काल के मिला के 7 साल में आपके नए वार्ड में कितना विकास हुआ है? जी हुआ है, पाइप में डले है इसके अंदर और काम भी अच्छा किया, गरीबों को पैसा ढीला जो है अरने मरने में सब में दिया उसने, समझो सब चीजें घर घर आके भी दिए, घर घर पूछा भी है उसने, तो जो अपन का काम करेगा उसको अपन देगा। पिछले 7 सालों में यहाँ पर क्या होना था और क्या नहीं हुआ है? सब कुछ जो कुछ हुआ सब अच्छा हुआ, सरपंची राज से तो अच्छा हुआ है, सरपंची राज से अच्छा करे उनने और सबकी मदद करे उनने। कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ के रहने वाले, भाई साहब आप बताएं इस वार्ड में जो 79 वार्ड है यहाँ पर कैसा विकास चाहते थे आप और कैसा विकास यहाँ पर हुआ? जैसा विकास चाहते थे वैसा हो रहा है धीरे धीरे और आगे जाके और होगा, और उनने सही जो भी किया ठीक ही किया, जो पहले था उससे काफ़ी अच्छा हो गया, नालियाँ बन गई हैं, पाइपें डल गई, सबका आवास योजना का सबका पैसा आ रहा धीरे धीरे, सबका आ भी गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, कोई मरता है कोई गड़ता है तो उसमें आके पैसा देते हैं ताकि वो तो मदद करते हैं। हाँ, वो सरकारी योजना में नहीं आता फिर भी अपनी तरफ से आके पैसा देते हैं वो आके मदद करते हैं। विनोद चौधरी जो हमारे पार्षद है वो आके पैसा देते हैं, एक फ़ोन में फ़ोन उड़ जाता है, सब चीज़ हो जाता है तो वो करते हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं अपने जो पूर्व पार्षद हैं विनोद चौधरी उनकी तारीफें यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो वार्ड के हाल हैं आपको हम इसकी तस्वीरें भी आगे चलकर दिखाएंगे। 79 वार्ड के ईसाई मोहल्ले में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के लोग हैं उन्हीं से हम जानते हैं। भाई साहब बताएं ये कौन सा वार्ड है और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? हमारी एक समस्या है, देखो सर हमारे खानदान में सबको राशन मिलता है, देखो सुनो सबको राशन मिलता है, लेकिन राजी इंगलो को जब से ये विनोद चौधरी बना है उसके बाद में हमको राशन नहीं मिला है, उसके बाद में हमारे रिश्तेदार को हमारे जात को सबको मिल रहा है, लेकिन हमारा कार्ड क्यों बंद है, हमारा कार्ड क्यों बंद है इसका हमको कारण बताइए सर। उसके बाद में हमारा बोर्ड आता है, हर चीज आता है, उसके बाद में हमारा घर बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन हमारा राशन कार्ड क्यों नहीं? हमारा एक मोड़ा था जिसका नाम था बाबू, एयरपोर्ट के पास में सर्विस करता था, उसकी मिसेज को एक मिनट फालतू बात नहीं करना, जय सत्य बोल रहा मैं। देखिए सर हमारा एक थी लड़का था, आज वो हमारी लड़की आज भी है इसी घर में, आज भी इसी घर में है, आज उसको कुछ नहीं मिलता, आज हम परिवार चला रहे हैं 10 जन को, हमारा एक बड़ा लड़का है वो भी उसकी भी मिसेज खत्म हो गई, उसके बाद में हमको कुछ नहीं मिलता, हमारे दो नगर निगम के अधिकारियों से आपने शिकायत की थी? जी करे थे, देखिए करे रहे, लेकिन हमको उसका फायदा कुछ नहीं मिला सर। बिल्कुल, यहाँ पर इसका फायदा कुछ नहीं मिला, ये थे यहाँ के स्थानीय लोग और हम आगे चलकर आपको और भी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि 79 वार्ड में कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। 79 वार्ड के इस वक्त हम मौजूद हैं भट्टा मोहल्ला में और यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब बताएं ये क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या विकास हुए हैं पिछले 7 सालों में? यहाँ पे घरों में लाइटिंग नहीं बनी हुई है, आदमी देख रहे डब्बा लेके जा रहे हैंगे, मेरा नाम है सिटी लाइट हाउस पिपरिया जी, दिक्कत है यहाँ पे नाली सफाई नहीं हो रही ढंग से, देखिए आप कितना मलबा पड़ा हुआ है, ये चीज़ है, बाकी समस्या आप लोग समझो। अधिकारी यहाँ पर कभी आए पिछले 7 सालों में आप लोगों का हाल जानने? कभी कभी आते हैं, आए तो आए नहीं तो लंबे हो गए। भाई साहब आप यहाँ डब्बा लेकर जा रहे हैं, शौचालय की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हर घर शौचालय से छोड़ के कुछ नहीं है, ये सब ये देखो नाली की हालत देखो, रोड की हालत देखो, अंदर बस्ती की हालत देखो, इतना गंद मारता है,
जो थोड़ी बहुत नाली बनी है तो वो इतनी इतनी सी बना लिए हैं अपने साइड से। हाँ, अगर वो गहरी नाली बनाए तो गंदगी पैदा ना हो, गंदगी के कारण मरे जा रहे हैं। वोट के लिए दुनिया भर के आ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वादे करके जाते हैं और कोई वादे नहीं निभाते। कैसा विकास चाहते हैं आप लोग? अपन ऐसा चाहते हैं कि जो सब जगह हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं। नगर निगम कहने के लिए नगर निगम लगा दिए हैं, या ना रोड साफ हो रही है, ना नालियाँ बन रही है, ना घर में कोई सुविधाएं मिल रही हैं। नल निकल जाता है। बिल्कुल, ये स्थानीय लोगों का खास दर्द है। पानी देखो कि यहाँ पर के अंदर है, देखिए नाली उसकी, देखिए नाली के अंदर से पीने का पानी पी रहे हैं। ये विकास है, ये नगर निगम है, ये बतलाइए आप। ये इधर उधर को वीडियो कैमरा करके देखो, थोड़ी पीने वाला पानी काय में नाली के अंदर से आ रहा पाइप, ये तो सभी को दिखता है ना, कोई अधिकारी को दिखता नहीं है क्या? और टैक्स के लिए खर्चा भेज देंगे फिर। हाँ, किस साल का टैक्स चाहिए? तो बांध रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, लाइट हटा देना, 50 चक्कर गोल हो रही है। आदमी गर्मी में मरा जा, लाइट ऐसी गोल रात में गोल होती है, दिन में गोल होती है, सभी चीज से परेशान है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ सभी चीज से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हैं। अब आगे चल के हम दिखाएंगे कि इस 79 वार्ड के क्या हालात हैं। 79 वार्ड के पिपरिया के भट्टा मोहल्ला में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले 7 सालों में कोई भी विकास ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो कि यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, हम उन्हीं से जानते हैं। मैडम, आप बताएं, यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग और इस नए वार्ड में क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली? चली जा रही रहते, आज की थोड़ो नहीं, यहाँ हमारे सास ससुर चले गए, हमारे घर आ गए, अब हम लोगन रह रहे हैं। यहाँ के हालात क्या हैं पिछले 7 सालों में इस नए वार्ड के? कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है इधर। नगर नियम लगा तो हम लोग के साइड भी तो सफाई होना चाहिए, ऐसे में बीमारी नहीं होगी हम लोगन को? बिल्कुल बीमारी होगी। आप बताएं कितनी परेशानी जा रही है इस वक्त आप लोगों को, क्या विकास यहाँ पर हुए? नल को परेशानी है, पानी नहीं मिलता, नल भी नहीं चलता है, और नल लगाए हैं तो कम काम के लगा, पानी भी नहीं मिलता है। बिल्कुल पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ पर काफी बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा जी बताएं कब से यहाँ रह रहे हैं और इस नए वार्ड में क्या जिंदगी बीत रही भैया? हम और के कुछ सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं रहती हम लोग। कैसा विकास चाहते थे आप अपने? पहले ये गांव में शामिल था, फिर वार्ड में शामिल हुआ, किस तरह का विकास चाहते थे आप? रोड को राशन मिलती, ना कुछ नहीं मिलता, ना कार्ड नहीं बना भैया, क्या करूं? बिल्कुल, जिस नए वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की काफी यहाँ समस्या है। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी बताएं आप लोग, यह ये किस वार्ड में आप लोग रहते हैं और कैसा विकास आप लोग चाहते हैं? विकास हम लोग अच्छा चाहते हैं, साफ सफाई अच्छी चाहिए अपन को, और बच्चे भी अपने अच्छे ढंग से रहने चाहिए, एक ढंग से अपन चाहते अपन लोग। अभी क्या क्या समस्याएं हैं आपके? समस्या ये है कि पानी नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलती है, ऐसी बहुत सी समस्या है। सफाई नहीं होती, नाली सफाई नहीं होती, ऐसी बहुत सी समस्या। मैडम आप बताएं, आप भी यहाँ पर रहते हैं, कैसा विकास चाहते थे कि हमारा वार्ड नगर निगम में आएगा तो हमें विकास मिलेगा? अच्छे चाहेंगे कि रास्ता साफ हो, जो वहाँ है वहाँ से पानी बहता, हम लोग उसी के ऊपर से जाते हैं, सफाई नहीं करवाते हैंगे। जैसा कि बारिश भी आने वाली है, कितनी परेशानी जाती है? अरे बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। मैडम आप बताएं, आप भी यहाँ पर रहते हैं, किस तरह बच्चों का पालन पोषण करते हैं आप लोग इतनी गंदगी भरी में? तो क्या करें, अब गई है, ये इसी में करते हैं हम लोग, बच्चे के हैं, इसी में जाते हैं, इसी में आते हैं, पानी के लेके फट्टी आते हैं, पानी के लिए फट्टी आते हैं, राशन से सबसे परेशानी है। पिछले 7 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ पर? कुछ विकास हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, कुछ भी बस थोड़ा बहुत भी है, यही में कर लो गुजारा। यहाँ पर नगर निगम टैक्स लेने आते हैं? हाँ आते हैं टैक्स लेने, तो हर साल आते हैं। आप बताएं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या चाहते रहने वाला आप लोग? बेटा बताओ कितनी परेशानी आती है? अरे सब परेशानी, यहाँ गंदा आता है पूरा, यहाँ साफ सफाई नहीं है, एक जाने में बहुत गंदगी लगती। बिल्कुल, यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं वो उनका भी साफ कहना है कि यहाँ पर काफी बदबू है, और जो 79 वार्ड है यहाँ पर कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है। अब हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे 79 वार्ड की और हकीकत क्या है।
नगर निगम के नए वार्ड में चार पांच गांवों को मिलाकर एक नया वार्ड यहां पर बनाया गया था जिसे नया वार्ड कहा जाता है। और इस वार्ड में सोनपुर और के साथ महगमा भी शामिल है। हमारे साथ सोनपुर की कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि ग्राम पंचायत में पहले रहती आई थी, अब वो नगर निगम के वार्ड में रह रही हैं। वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा जी बताएं कि ये कौन सा वार्ड है और आप लोग कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग सोनपुर के हैं। क्या विकास हुए पिछले 7 सालों में आपके वार्ड? कुछ नहीं हो गए हैं। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं रोड खुलना है, हम लोग को घर बनना है। पहले कितनी समस्याएं जाती थी आप लोग? बहुत समस्या है। जैसा कि अब नया वार्ड बना है आपका और पिछले 7 सालों से यहाँ पर पार्षद भी रहे हैं, क्या विकास किया उन्होंने अभी? कुछ नहीं किया है पार्षद ने। क्या क्या विकास चाहते थे आप लोग? हम लोग चाहते थे रोड बनना है और घर बनना है। स्वच्छता की बात करें तो आपके यहाँ शौचालय वगैरह कभी? कुछ नहीं बनु है। बिल्कुल कुछ नहीं बना है। हमारे साथ अम्मा मौजूद है। अम्मा बताएं किस प्रकार का विकास चाहते थे आप लोग? हम लोग ये चाहते थे कि कोई सियानी महिलाएं पैदल जा नहीं सकती, खाना था मेट्रो चलना चाहिए हमारे सोनपुर तक। कितने सालों से परेशान हैं आप? भैया बहुत सालों से परेशान, मेट्रो तो चलते ही नहीं हमारे यहाँ, 7 सालों से कुछ भी सुधार नहीं है। हमारे यहाँ नाली आली भी साफ नहीं होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का कुछ लाभ? कुछ नहीं, हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल यहाँ पर कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ महिलाएं और मौजूद हैं। अम्मा जी आप लोग बताएं किस प्रकार का विकास चाहते थे आप लोग? अरे यही रोड है, घर द्वार है और क्या है, बहुत राशन है, राशन भी नहीं मिलती हमको राशन। अम्मा जी सोसाइटी से राशन वगैरह आप लोग? हम लोग को नहीं मिलती। नहीं मिलता? नहीं मिलती। हमारे मकान में कुछ नहीं लगा, बिजली बिजली कुछ नहीं, दो मकान है। नगर निगम की कुछ योजनाओं का लाभ आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। अच्छा टैक्स वगैरह नगर निगम लेने वसूलने आता है यहाँ पर? नहीं 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 आते आप? टैक्स वगैरह वसूला जाता है आप लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने यहाँ पर टैक्स भी। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम टैक्स भी यहाँ वसूलने नहीं आता है, लेकिन यहाँ का जो भट्टा वार्ड है वहाँ पर नगर निगम अपना टैक्स पूरी तरह वसूलता है। यहाँ पिपरिया की एक जो प्रत्याशी हैं भाजपा की, वो भी यहाँ पर मैदान में उतरी हुई हैं, वो भी यहाँ पर अभी अभी आई हुई हैं, वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस नगर निगम चुनाव की। क्या सपने लेकर आप लोग उतरे हैं मैदान में? हम ये सपने लेकर उतरे हैं यहाँ पर कि अभी तक हमारे 79 वार्ड में जो कि नगर निगम क्षेत्र में आ गया है और हमारे यहाँ क्षेत्र में किसी भी गांव में अभी तक किसी भी प्रकार की ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो कि नगर निगम होने के कारण उन्हें जो टैक्स देना पड़ रहा है उसमें उन्हें सुविधाएं तो कुछ नहीं मिल रही, बस टैक्स वसूला जा रहा है। किस प्रकार की और आपने यहाँ दौरा भी किया होगा, लोगों से मिल भी रहे होंगे, अपना समर्थन मांग रही होंगी लोगों का, क्या क्या समस्याएं यहाँ के वार्ड वासियों ने आपको बताई हैं? यहाँ हम हर एक गांव में घर घर जाकर जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोगों से मिलते हैं तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती, किसी का राशन नहीं मिल रहा है, किसी को बिजली की समस्या है, किसी का आवास योजना नहीं हुआ है, किसी के यहाँ नालियाँ गंदगी से भरी हुई हैं, रोड हैं नालियाँ रोड में बह रही हैं, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं लोगों से हमने सुनी हैं। और हम चाहते हैं कि इन सभी का निवारण हो, है ना, योजनाएं जो भी नगर निगम हमें दे रही है, जनता के लिए निकाल रही है, इतनी सारी योजनाएं हैं लेकिन उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि निजी तौर पर अगर बात करें कि आप प्रत्याशी होने के पहले आप इस 79 वार्ड की निवासी हैं, पिछले कोरोना काल का मिला के 7 साल का विकास यहाँ कार्यकाल रहा है नगर निगम का, क्या विकास आप लोगों को मिला था या नहीं मिला था? यहाँ लोगों से हमने ही सुना है जब हम प्रचार में चल रहे थे कि मुंह देखा काम हो रहा है, मतलब जिनका आवास योजना हुआ भी है तो उनको परिचित लोगों का हुआ है और जिनको और भी ज़रूरत थी उन लोगों का नाम नहीं आया है। अब उन्हें भी ज़रूरत है, उनका भी होना चाहिए था लेकिन उनका नहीं हुआ, ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि मुंह देखा काम भी किया गया था और काम तो और भी होने चाहिए थे लोगों के। जैसा कि महगमा है या जो ग्राम पंचायत महगमा थी और आपका पिपरिया थी और जो सोनपुर है, ये यहाँ पर भी काफ़ी बदहाली का आलम है। हमने वहाँ पर भी जाकर देखा, वहाँ पर ना शौचालय है ना कोई सफाई व्यवस्था है,
पानी की पीने की पाइप लाइने हैं जो वो गंदी नालियों से बह रही हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सपने लेके आप इनको पूरा करेंगे? हमारा तो यही है कि हम भी यहीं से ही हैं और सारे लोग हमारे परिवार से ही हैं और सभी क्षेत्र जो भी हमारा क्षेत्र आ रहा है 79 वार्ड में, उन सभी गांवों में जितनी भी समस्याएं हैं लोगों को, उन सभी का मिल के निवारण करेंगे और सभी योजनाओं का उनको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। जिनके आवास नहीं हैं उनके आवास योजनाओं में हों, और भी जितनी उनकी सभी की अपनी अपनी राशन से, बिजली से, पानी से, सड़क से, नालियों से, इन सभी की शिकायतें बहुत है, इन सभी में हम आगे अपना काम करेंगे। बिल्कुल, ये थी यहाँ की जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो उनका ये साफ कहना है कि इस वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं और 79 वार्ड में अगर हम जीत के आते हैं तो आने वाले समय में जो यहाँ की समस्याएं हैं वो दूर करेंगे। 79 वार्ड में पनागर विधानसभा के भी कुछ जो गांव थे वो यहाँ वार्ड में शामिल किए गए, जिसमें से सोनपुर भी, ये जो पहले ग्राम पंचायत थी वो भी नगर निगम के वार्ड में यहाँ शामिल की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ के लोग हैं बिजली पानी सड़क और स्वच्छता के नाम से आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि वार्ड में शामिल होने के बाद भी ना यहाँ पर आवागमन के कोई साधन है और ना ही कोई सड़क यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर मोटरसाइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो काफ़ी समय से यहाँ परिवहन या मेट्रो बस की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनपुर में और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर घर पर मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, यहाँ ये कौन सा वार्ड है और क्या नाम है आपका, और यहाँ पर क्या 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 व्यवस्थाएँ, यहाँ पर जब वार्ड में शामिल हुआ है नगर निगम में आपका ये गाँव, तो क्या व्यवस्थाएँ पहले थी और आप क्या चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम दिलीप सिंह ठाकुर है और मैं 79 वार्ड सोनपुर से हूँ। यहाँ पे सर मेन समस्या क्या है, ये परिवहन की है, आने जाने में बड़ी परेशानी है और ये पिपरिया से सोनपुर के लिए जो मार्ग है उसकी बहुत काफ़ी जर्जर हालत है और वो प्रस्तावित है, विवादित है, लंबे उसमें कुछ हो नहीं रहा है। और जैसे अब घाना से जो मार्ग है वो भी चल ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और सर परिवहन के लिए जैसे हम जब नगर निगम में शामिल हुए हैं तो मेट्रो बस वगैरह की सुविधा यहाँ पे मिलनी चाहिए हम लोगों को, जो कि नहीं है। और हम देखने में ये आता है कुछ ग्रामीण अंचल जो बहुत दूर हैं वहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम लोग उससे वंचित हैं। कौन कौन से ये जो गांव हैं वो आपके इस वार्ड में शामिल किए गए? जी सर, ये सोनपुर, पिपरिया, उमरिया, गधेरी और महगमा और सिविल लाइन। सर वो सिविल लाइन के साथ हम लोगों को जोड़ा गया है और कुछ मापदंड ऐसे हैं सर कि सिविल लाइन जो विकसित जगह है ये अभी विकसित नहीं है, ये तो ग्रामीण से इसमें जुड़ा है, तो हम लोगों को टैक्स वगैरह में या कई ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी सुविधा मिले, क्योंकि उससे हम लोगों को कंपेयर ना किया जाए, वो विकसित जगह है सिविल लाइन, है ना, तो उनमें हम लोगों को कुछ रियायत मिले। और अभी जैसे अभी ये 7 साल हो गए, अब जाके मतलब दोबारा चुनाव ये सब हो रहा है, हम चाह रहे कि भाई ऊर्जावान प्रतिनिधि आए और ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनका निदान करें, जैसे परिवहन, आवागमन की, मेट्रो बस है यहाँ पे, जैसे बच्चा बच्ची आते जाते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। और सर ये साफ़ सफाई वगैरह जो है ये समय समय पे हो, यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ खिलाड़ी भी हैं जो अच्छी प्रतिभाएं हैं और उनको यदि मार्गदर्शन मिलता है, सुविधाएँ मिलती है, अच्छा ग्राउंड मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो राष्ट्रीय लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पे अच्छे प्रतिभावान हर क्षेत्र में, हर विधा में लोग हैं, तो सर हम चाहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि आए इस तरफ ध्यान दें और क्षेत्र का विकास करें। जैसा कि सोनपुर से पिपरिया का मार्ग काफी जर्जर हालत में है, क्या मानते हैं आप कि इसको कब से ये हालात हैं इस मार्ग के? जी सर, ये तो काफी दिनों से है, अभी जैसे नगर निगम में लगने के पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन अभी ज्यादा ही स्थिति गड़बड़ है और काफ़ी परेशानी होती। जब कोई हमारे यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं आप किस जगह रहती हैं, यानी कि आपका नगर निगम क्षेत्र में लगता नहीं है कि नगर निगम में आप रहते हैं, क्योंकि ये बीच में जो रोड वगैरह देख के कोई समझ नहीं पाता। और सर ये यहाँ से जो कैनाल निकली है बरगी डैम की, तो उसके आसपास भी कई बार लोग गिरते हैं क्योंकि वहाँ पर रोड या दुरुस्त नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं लोगों को आने। अच्छा, इसके बाद में रास्ते में सर जैसे स्ट्रीट लाइट हो जाती
रात में जैसे आना जाना हो रहा है तो कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं। और यहाँ पे जैसे अभी एक अच्छा खेल मैदान हो, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ अलग से लाइब्रेरी वगैरह हो, जिससे बच्चे अपनी तैयारी करके कुछ है कॉम्पिटिशन वगैरह फाइट करें, हमारा ये सोचना है। बिल्कुल यहाँ सोचना है। हमारे साथ एक छात्रा भी इस घर की मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं। आप यहाँ पर पढ़ते आए हैं, पहले ग्राम पंचायत में पढ़ते थे, अब नगर निगम वार्ड में आपका गांव आ गया है, शिक्षा के क्या हालात हैं आपसे जाना है। जी सर, जब मैं स्कूल में थी उस दौरान तो ऐसा था कि विकसित नहीं था क्षेत्र, तो हम मान सकते हैं कि जितना यहाँ ग्राम पंचायत लेवल पे होना चाहिए काम उतना हो रहा था। लेकिन अभी हम जैसा देख रहे हैं 79 वार्ड मतलब एक नगरी क्षेत्र में जब हम आ गए हैं, तो मैं देखती हूँ कि स्कूल्स में कंप्यूटर लैब वगैरह नहीं है। जो आप देख अभी आप शहरों में देखेंगे तो छोटे बच्चे कितने एक्टिव हैं कंप्यूटर में, हर चीज़ में। तो मैं सोचती हूँ कि छोटे बच्चों से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए कंप्यूटर लैब उपलब्ध हो। और देखिए जैसे शिक्षित बेरोजगार गाँव में महिलाएँ हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, उनके लिए। और सरकारी अस्पताल जो हमारा है वहाँ हम जैसे कोई चाहे कि हम जा कर के प्राइमरी अपना ट्रीटमेंट ले लें तो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो थोड़ी सी जब शहरी क्षेत्र में शामिल हुआ है तो इस तरह का विकास हम अपने क्षेत्र में चाहते हैं। जैसा कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, रात बिरात अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप लोगों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना यहाँ करना। देखिए अब तो जैसे बारिश का समय है तो पानी रास्तों में भर जाता है, तो बहुत स्ट्रीट लाइट नहीं होने से दुर्घटना का बहुत खतरा है। और खासकर युवतियों लड़कियों महिलाओं के लिए तो रात में आना जाना बहुत ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर रोड अच्छी हो जाएगी, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं, तो थोड़ा सा बहुत सहूलियत हो जाएगी। जैसे बच्चे यहाँ से लड़कियां भी पढ़ने जाती हैं तो उनके घर वालों को एक चिंता होती है कि समय से पहले आप घर में आ जाएं, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि यहाँ आपके गाँव में रात के समय यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम पुलिस वगैरह यहाँ गश्त करने आती है? हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग तो होती है लगभग शाम को रात में, पुलिस प्रशासन का तो काफी यहाँ सहयोग है। अब क्या कैसा विकास चाहते हैं आप, आपके गांव का जो वार्ड में शामिल हुए? देखिए मैं सोचती हूँ कि जैसे कौशल विकास कार्यक्रम होते हैं महिलाओं के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ आए, हमारे महिलाएं जो हैं कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ें। और मैंने कहा कि कंप्यूटर लैब बहुत ज़रूरी है हमारे एरिया में। बिल्कुल, कंप्यूटर लैब जारी है। हम स्वच्छता को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि जो गांव है ये सोनपुर, यहाँ पर स्वच्छता की भी कई जगह धज्जियाँ उड़ाती तस्वीरें नज़र आई हैं, इस पर भी हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपके यहाँ स्वच्छता की कहीं शौचालय भी नहीं है, आज भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं, क्या मानते हैं आपकी यहाँ पर विकास? सर यहाँ पे स्वच्छता तो ऐसा है कि सुलभ शौचालय नहीं है, लेकिन 60% घरों में शौचालय उनने मतलब कुछ लोगों ने शासकीय योजना वाले या पर्सनल बना लिए हैं, है ना। थोड़ी समस्या ये है कि जो नालियां हैं इनकी समय समय पे साफ सफाई हो, थोड़ा सा काफ़ी विलम्ब हो जाता है, मतलब उस चीज़ के लिए प्रतिनिधियों को या जवाबदारों को सूचित करना पड़ता है कि थोड़ा यहाँ देख लीजिए, काम होता है थोड़ा लेट होता है। हाँ, तो उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है, अपन ये मान सकते हैं। आपके सोनपुर में एक मुक्ति धाम भी बना हुआ है जो कि आज भी बदहाली का शिकार है, क्या मानते हैं आप, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पा? सर मुक्ति धाम के आसपास वहाँ जो होना चाहिए जैसे वृक्षारोपण वगैरह कराया गया, अब वृक्षारोपण में उसकी सुरक्षा नहीं की गई तो वृक्ष कुछ वो हो गए, नष्ट हो गए हैं। लेकिन वृक्षारोपण वहाँ कराया गया था पहले भी, जिस समय यहाँ पे पंचायत थी अपने यहाँ, और चारों तरफ से एक फेंसिंग वो गड्ढा करके एक मतलब सरहद बनाई गई थी। और लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पे और विकास की ज़रूरत है, शेड वगैरह जर्जर हो गए हैं, वहाँ मतलब गंदगी है, लेकिन आसपास साफ सफाई होनी चाहिए और आजू बाजू से ध्यान रखा जाए कि वहाँ ज़्यादा अतिक्रमण ना हो। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो सोनपुर है यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण भी है, और जो मुक्ति धाम है उसके आसपास भी काफ़ी अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं ये इनका साफ कहना है कि हमारा जो गांव है वार्ड में शामिल तो हुआ है लेकिन यहाँ पर भी कोई विकास नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे सोनपुर के अलावा और भी जो सिविल लाइन का पॉश इलाका है वहाँ की तस्वीरें क्या कहती हैं। नगर निगम के नए वार्ड 79 का हाल अभी तक हमने आपको ग्रामीण क्षेत्रों से दिखाया, अब इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन के पॉश इलाके में, जहाँ की इस जगह जहाँ पर हम मौजूद हैं ये 79
वार्ड है जो उसकी सीमा यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। भाई जब आप यहाँ सिविल लाइन के पॉश इलाके में रहते हैं, 79 वार्ड नया वार्ड बना है आपका, क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं यहाँ पर और क्या नहीं मिली? जब से 79 वार्ड बना है यहाँ तो पार्षद देखने नहीं मिला। सुविधाएं तो बहुत दूर की बातें हैं, उनसे जब कोई चीज़ बात करो तो फ़ोन पे बात करो तो बोलते हैं कि मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपके पास आके आपसे मिलूँगा। आज तक उनके दर्शन ही नहीं हुए और किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ और यहाँ की जनता वैसी परेशान है। और जबकि ये तो पहले से जो सब कुछ सिविल लाइन के अंदर कार्य हुआ है जिसके वजह से सब यथावत अच्छे से, जिसके कारण ये है कि कोई समस्या ज़्यादा नहीं होती है, नहीं अन्यथा यहाँ पे तो कोई देखने वाला ही नहीं है। अभी तक जो पार्षद थे यहाँ पर आपके, आप लोगों को दर्शन नहीं हुआ, आप साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, कैसा विकास चाहते थे पार्षद द्वारा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर चुने गए थे पिछले 7 सालों में और जो कोरोना के मिला के पूरे 7 साल यहाँ पर हुए हैं? कोरोना में तो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई, जबकि प्रशासन ने लोगों को इतनी मदद दी है कि पार्षद महोदय हों, चाहे विधायक महोदय हों, चाहे सांसद जी हों, किसी की यहाँ मौत मिट्टी हो गई है कोई, तो ना एम्बुलेंस की सुविधाएं मिली ना कुछ मिली। लोगों ने अपने प्राइवेट व्हीकल से अपनी डेड बॉडियाँ अपने घरों से ले जाके जो भी है वहाँ पे मतलब क्रियाकर्म किया, किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिली और अभी भी कुछ भी ऐसे आसार नहीं लग रहे कि यहाँ पे कोई हम लोगों को सुविधाएं मिलेगी। जैसा कि अभी कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है और निर्दलीय कई प्रत्याशी चुनाव में अभी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप अपने जो प्रत्याशी हैं उन लोगों? देखिए कहने को तो अभी सभी लोग आ रहे हैं कहने के लिए कि हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, आप जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे, मगर ये जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आता, ये अपने ही कार्य में लुप्त रहते हैं। बिल्कुल, ये भारी विडम्बना है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन के पास इलाके में जहाँ पर 79 वार्ड की सीमा समाप्त होती है। 79 वार्ड के कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी बताएं कितनी समस्या यहाँ आप लोगों को? समस्या जब भी जाओ वार्ड मेंबर के पास जाओ, चाहे कहीं फार्म भर के दो, उनके दस्तखत के बाद भी कोर्ट बोलती है कि गरीबी रेखा कार्ड नहीं बनेंगे, हम लंगड़े हो जब बनेंगे, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द है जो कि सिविल लाइन के पॉश इलाके में रहते हैं और यहाँ भी गरीबी रेखा के कार्ड, किसी राशन कार्ड किसी के भी नहीं बने हैं। वार्ड नंबर 79 में इस समय वक्त नगरीय निकाय चुनाव पूरे जोरों शोर पर है और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ पौष इलाकों का में और कितना विकास कर पाते हैं। जबलपुर से INH न्यूज़ के लिए हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ फतेह सिंह।